क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं नंपाई। आज की वीडियो में हम जानेंगे अरेंज मेथड के बारे में, जिसके जरिए हम बहुत ही ज्यादा आसानी से अपनी एरे को बना सकते हैं। तो इसको कोड से समझते हैं। चूंकि मुझे यहाँ पे नंपाई यूज करना है, तो उसे मुझे सबसे पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, उसके बाद में एक वेरिएबल बनाता हूं ए नाम से, आपका जो मन करे उस नाम से बनाए। उसके बाद में numpy का जो arrange मेथड है उसको कॉल करूंगा। तो मैं कहता हूं एनपी डॉट एरेंज, और इसके अंदर हम उसे कुछ वैल्यू देंगे कि भाई मुझे जो एरे चाहिए यहां तक चाहिए। तो मैं कहता हूं भाई मुझे जो एरे चाहिए वो 10 तक चाहिए। 10 काउंट नहीं करेगा, उससे एक कम में वो वैल्यू लेकर आएगा। तो इसको अगर मैं शो करवाऊं और अपने कोड को चलाऊं, यहाँ पे देखो मुझे एरे बनकर मिल गई। बिल्कुल उसी तरह ये मेथड काम करता है जिस तरह पाइथन का रेंज मेथड काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखो एरे मिल गई। यहां तक बात समझ में आ गई। कॉपी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको कहता हूं क्या, मैं इसको कहता हूं कि भाई मुझे जो है 1 से चाहिए और 10 तक, 10 भी नहीं बल्कि 11 तक, ताकि मुझे 10 भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि एक कम जो है मुझे ये लाकर दे रहा है, तो मुझे 1 से 10 तक चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 से 11 तक लिख दिया। और मैं इसे अगर चलाऊं तो मुझे 1 से 10 तक जो है वो एरे मिल गई। ये बात भी समझ में आ गई। इसे कॉपी करते हैं, आगे समझते हैं। अब क्या है, अब इसके बाद मैं इसको स्टेप भी दे सकता हूं कि भाई हर तीसरा नंबर मुझे चाहिए, हर तीसरा नंबर चाहिए। तो इसको मैं अगर चलाऊं, उसने हर तीसरा नंबर मुझे लाके दे दिया 1 से 10 के बीच में। अब मैं कहता हूं नहीं, हर दूसरा नंबर मुझे चाहिए। अब मैं चलाऊं तो उसने हर दूसरा नंबर मुझे लाकर दे दिया 1 से 10 के बीच में। तो ये जो थर्ड जो है यहाँ पे स्टेप दिया जाता है। तो यहाँ क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, और ये इसके स्टेप, मतलब जंप। जंप भी कह सकते हैं, स्टेप भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई। इसको कंट्रोल ए कॉपी करते हैं, आगे आ जाते हैं। टेस्ट करता हूं, उसके बाद इसको अगर मिटाना चाहे मिटा दे, ना भी मिटाए तो इसके बाद हम इसको डेटा टाइप भी दे सकते हैं कि भाई मुझे जो डेटा टाइप चाहिए यहाँ पे फ्लोट चाहिए, मुझे यहाँ पे फ्लोट चाहिए। अब अगर मैं चलाऊं तो देखिए सबके आगे डॉट लग गया, ये फ्लोट आ गया। अब फ्लोट नंबर जो है हमें मिल रहा है, ठीक है ना, अब हमें फ्लोट नंबर मिल रहा है। इस तरह अगर मैं फ्लोट की जगह कुछ और लिख लूं लाइक कॉम्प्लेक्स, मुझे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से हम इसको डेटा टाइप भी दे सकते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट करते हैं। अब मैं इसको क्या कहता हूं, इसको मिटा देते हैं। मैं इसको कहता हूं कि भाई मुझे 11 तक नंबर चाहिए, और मैंने डॉट लगा दिया। डॉट लगाने का मतलब अब मुझे फ्लोट में चाहिए, इंटीजर में नहीं चाहिए। अगर मैं चलाऊं कोड को तो देखो तमाम नंबर जो है मुझे फ्लोट में मिल रहे हैं। तमाम नंबर किसमें मिल रहे हैं, फ्लोट में मिल रहे हैं। इसी तरह इसको मैं कह सकता हूं कि भाई 1 से लेके 11 तक चाहिए, सब फ्लोट में चाहिए। फ्लोट में किस तरह उसे पता चला, क्योंकि मैंने डॉट लगा दिया। अब अगर इसे मैं चलाऊं तो तमाम नंबर जो है देखो फ्लोट में मिल गए। इसी तरह अगर मैं इसको जंप भी करवाना चाहूं तो मैं कहता हूं डॉट 5, डॉट 5 पर जंप करो। ये तमाम जंप करके डॉट 5 के बाद जो जंप करके ले आ रहा है नंबर। कितने इजी तरीके से हम रेंज के मेथड को कॉल करते हैं, उसके जरिए हम अपनी एरे को बना सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। इसके जरिए हम स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और स्टेप या जंप और स्लैश डेटा टाइप हम इसको बता सकते हैं, और रेंज को इस तरीके से हम यूज करके अपनी एरे को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।